नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर गौरेंद्र गुप्ता है और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस संस्थान भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पशुपालन हमारे देश की अर्थव्यवस्था एवं कृषक आजीविका में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु इतना महत्वपूर्ण व्यवसाय होने के बावजूद भी इसकी लाभप्रदता अत्यधिक नहीं है, जिसका मुख्य कारण है हमारे पशुधन की घटती उत्पादकता। हमारे पशुधन की उत्पादकता वैश्विक स्तर की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके मुख्य कारण पशु को भरपेट उच्च गुणवत्ता युक्त आहार का ना मिल पाना, अन्ना प्रथा, उनसे पशुओं से संबंधित रोगों की समय पर रोकथाम ना हो पाना इत्यादि हैं। इन सभी कारणों में से सबसे मुख्य कारण है पशु को उच्च गुणवत्ता युक्त भरपेट आहार का ना मिल पाना। दोस्तों, पशु आहार के मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स एवं विटामिन्स होते हैं और इनकी पूर्ति सूखी घास, हरी घास, चूनी, चोकर, दाना, रातप एवं मिनरल मिक्सचर से की जाती है। इन सभी पूरकों में से सूखी घास तो वो हमें हमारे खाद्यान्न फसलों के अवशेष के रूप में मिल जाती है, चूनी, चोकर, खली एवं मिनरल मिक्सचर हमें बाजार से मिल जाते हैं, लेकिन हरा चारा एक ऐसा घटक होता है जिसकी वर्ष पर्यंत उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चैलेंज होता है। और इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे एक फसल की, वो है बाजरा नेपियर हाइब्रिड। यह एक बहुवर्षीय फसल है जिसको एक बार लगाने से कम से लगभग 5-6 साल तक हरा चारा मिलता रहता है। आज हम इस फसल की क्रमवार खेती की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस फसल के बारे में बात करेंगे कि इसे बाजरा नेपियर हाइब्रिड क्यों कहते हैं। बाजरा नेपियर हाइब्रिड इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बाजरा और नेपियर दो अलग अलग फसलों का संकरीकरण उत्पाद है। इसमें बाजरा का गुण जो कि उच्च गुणवत्ता, स्वाद एवं सुपाच्यता है वो है, साथ ही साथ जो नेपियर का गुण जो ज़्यादा तापमान एवं सूखा रोधी क्षमता, उसके साथ अत्यधिक बढ़वार, ये जो गुण है नेपियर का वो भी इसमें पाया जाता है। इस प्रकार इस फसल में बाजरा और नेपियर दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए यह अत्यंत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण चारा फसल मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस फसल के लिए कैसी जलवायु उत्तम मानी जाती है। मुख्यतः यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, परंतु इसकी खेती सभी उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जा सकती है। हमारे भारतवर्ष में कुछ उत्तर राज्यों को छोड़कर, जहां सर्दी ज़्यादा रहती है उनको छोड़कर, हमारे देश के सभी राज्यों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फसल के लिए उपयुक्त मृदा के चुनाव की। तो दोस्तों, यह फसल लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में जिनका पीएच मान 5 से लेकर 8 हो में उगाई जा सकती है। हालांकि जो दोमट मृदा जिसमें जल निकासी अच्छी हो, पोषक तत्वों का भंडार अच्छा हो, इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।